हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा नौवीं में हमारा जो दसवां पद्य है भारत गौरव, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत गौरव यानी कि हमारा देश जो है वो किन किन विशेषताओं से परिपूर्ण है, यह बात श्री मैथिली शरण गुप्त ने हमें इस काव्य के द्वारा बताई है। हमारी भारतीय संस्कृति एवं हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में बताया गया है, हमारी प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, और हमारे देश की जो विभूतियाँ हो गई उन्होंने हमें क्या प्रदान किया, इसके बारे में काव्यात्मक ढंग से हमें समझाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर सा काव्य जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम काव्य के जो हमारे कवि हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं, बाद में हम पंक्ति के अनुसार एक एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी जो है उनका जन्म सन 1886 में हुआ और उनका निधन जो है वो सन 1964 में हो गया। हमारे जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म है वो झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद त्रिवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनके कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विश्वप्रिया आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो यह हुआ हमारे जो कवि है मैथिली शरण गुप्त का, ये परिचय हमने थोड़ा जाना। अब हम काव्य के बारे में थोड़ा परिचय लेते हैं। प्रस्तुत काव्य जो है वो भारत भारती से लिया गया है, जिसमें तीन खंड देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। इस काव्य में हमें लेखक ने जो हमारा अतीत था वो, अभी हमारा जो वर्तमान है वो, और भविष्य की जो बात है वो इसमें बताई गई है कि हमारा जो भविष्य है वो कैसा होना चाहिए और हमारा जो अतीत था वो कैसा था और हम हमारे वर्तमान में कैसे है, ये सभी बात इसमें चित्रित की गई है। और ये भारत भारती से लिया गया है ये काव्य। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। मित्रों, हमारी भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता है ऐसी सभ्यता कहीं और नहीं है। हमारा योग, प्राणायाम, आज हम जानते हैं कि दूसरे देश के लोग भी इसे अपना रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति को दूसरे देश वाले भी अभी अपनी जिंदगी में वो अपना रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति एवं हमारी जो सभ्यता है वो दूसरे देशों से कहीं आगे है, यानी सिरमौर है। तो ये बात जो है वो कवि ने हमें इस काव्य के रूप में बताई है कि हम क्या है, हम जो है वो दूसरे देशों की नकल करते हैं और उसका यहाँ पर लेकर आते हैं, लेकिन हम जो हमारी विशेषताएं हैं उसे कभी नहीं जानते कि हमारी विशेषताएं क्या हैं। हमारा देश जो है वो दूसरे देशों से कई आगे क्यों है, ये सारी बात जो है
इस भारत गौरव में के द्वारा हमें समझाई है। तो हम हमारी विशेषताओं के बारे में जानें और अपनी भारतीय संस्कृति को अपने दिलों में बसाए और आत्मसात करें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है, इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो काव्य है भारत गौरव, जिसकी पहली पंक्ति है जिसमें कवि ने बताया है कि भूलोकों का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, पहले जो पंक्ति है उसमें लेखक ने कवि ने बताया है कि भूलोक का गौरवशाली जो देश है वो कहाँ पर स्थित है। तो खुद ही जवाब दूसरी पंक्ति में देते हैं कि फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत है वो हमारा जो है देश का गौरव है, और गंगा जल जो पवित्र नदी है जो कि सभी धार्मिक कार्यों में जिस जल का हम उपयोग करते हैं, ऐसी गंगा जैसी पवित्र नदी कहाँ है, तो हमारे भारत देश में है। तो कवि पहली पंक्ति में कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल, यानी कि प्रकृति से भरपूर, हमें प्रकृति की सुंदरता भी कुदरत ने ऐसी दी हुई है कि हमारा जो प्रकृति की सुंदरता है वो भी हमारे भारतवर्ष को उपलब्ध हुई है। और जहाँ पर फैला मनोहर गिरी यानी कि पर्वत, हिमालय हमारे यहाँ भारत देश में है, और गंगा जैसी पवित्र नदी भी हमारे भारत में है। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, भूलोक यानी कि संसार, गौरव यानी प्रतिष्ठा, और लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में ही महान पुरुषों और खुद भगवान ने, खुद ईश्वर ने भी हमारे यहाँ भारत देश में जन्म लिया है, यानी कि महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, जन्म भूमि यहाँ पर हमारी भारत देश रही है। यानी कि हमारे अंदर ये गौरवपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ ऐसी महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि यानी कि जन्मस्थल जो है वो हमारा भारत देश रहा है। यानी कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, यानी कि हमारा भारत देश ही है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, यानी कि जहाँ पर हिमालय जैसा पर्वत और गंगा जल जैसी पवित्र नदी जहाँ पर बहती है, ऐसा भारत देश है। यही हमारे भूलोक में यानी पृथ्वी लोक में, संसार में सबसे जो है गौरवशाली देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, फिर से कवि कहते हैं कि संपूर्ण देशों से यानी कि सभी देशों में अधिक, सबसे आगे, अधिक यानी कि दूसरों से बेहतर आगे, किस देश का उत्कर्ष है यानी कि किस देश की प्रगति है। तो दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारत वर्ष है। ऋषि भूमि हमारी देश, मैंने आपको बताया ना कि हमारी भूमि जो है वो ऋषियों की भूमि है, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि यह हमारी भारत भूमि जो है वो रही है। यानी कि यही हमारा भारत देश है, वो अपने आप में ही इतना महान है। यहाँ पर महान पुरुषों ने जन्म लिया, उनकी क्रीड़ा भूमि रही, और ऋषि भूमि भी हमारा भारत देश ही कहा जाता है। तो ये भारत देश में अपने आप में गौरव करने जैसी बात है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि कवि कहते हैं कि अपने ठीक पहचाना हमारा वृद्ध यानी कि पुरातन, पुराना हो चुका हमारा देश जो भारत देश है वो कोई नया देश नहीं है, बहुत ही वृद्ध है यानी कि पुराना देश है। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है यानी कि सबसे ऊंचा देश है, ये कौन है, तो हमारा भारत देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। अभी पूछते हैं कि ऐसा जो पुरातन यानी कि पुराना देश पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, सभी जो है हमारे देश के महान लोग, हमारे ऋषि मुनिया, सभी लोग जो है वो कहाँ पर हो गए, तो के भारत देश में हो गए।
कवि कहते हैं कि ऐसा देश कहीं और नहीं है, भूलोक में ऐसा देश कहीं और नहीं है, इतना पुराना वृद्ध कोई देश और नहीं है। और आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, यानी कि भवभूतियाँ यानी कि संसार का जो वैभव है, भवभूति जो है वो संसार का वैभव जिसे हम कह सकते हैं भंडार यानी कि खजाना। तो कवि कहते हैं कि भगवान जो ईश्वर है उन्होंने भी यहाँ पर हमारे भारत देश में जन्म लिया और हमारी भवभूति का यह प्रथम भंडार है, यानी कि यह भी हमारे देश में भंडार भरा हुआ है कि ईश्वर ने खुद आके हमारे भारत देश में जन्म लिया। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, विधि यानी विधाता, ईश्वर ने नर यानी कि मनुष्य और सृष्टि यानी पूरे देश में पूरी सृष्टि में लोगों का विस्तार, मनुष्य जन्म जो है वो भारतवर्ष से ही शुरू हुआ और मनुष्य का विस्तार हुआ। और अगली पंक्ति में आगे कवि कहते हैं कि यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पुण्य भूमि यानी कि पुण्यशाली भूमि, हमारी जो देश की भूमि है यो ये पुण्यशाली भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महान लोग हो गए और हमारे यहाँ ऋषि मुनियाँ भी ऐसे हो चुके कि जो अपने प्राणों की भी कभी परवाह नहीं करते थे, वो लोकहित के लिए कुछ भी कर सकते थे, ऐसे ऋषि मुनियाँ भी हमारे यहाँ हो गए। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो कई और देशों से कई आगे है और सिरमौर है। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पूर्ण भूमि यानी पूर्णशाली भूमि और आर्य यानी अच्छे हृदय वाला, आदर्शवादी विचारों वाला। हमारे देश में के लोग जो है वो पुरातन काल में कैसे थे तो के अच्छे विचारों वाले आदर्शवादी लोग थे और ये हमारी पुण्यशाली भूमि रही है भारत भूमि। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, यानी कि विद्या विद्या यानी कि ज्योतिष विद्या और कई विद्याएं, तंत्र मंत्र सारी धनुर्विद्या, ये सभी जो है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई तो के हमारे भारत देश से इनकी शुरुआत हुई। जो इनके आचार्य रहे वो कौन रहे यानी कि आचरण करने वाला, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई तो भारत देश से इनकी शुरुआत हुई। कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य रहे यानी कि कला में हम निपुण रहे, कौशल्य में हम निपुण रहे और सारी विद्याएं जो है उसमें भी हम परिपूर्ण रहे, ऐसा देश जो है वो कौन है, हमारा भारत देश है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आगे क्या कहते हैं कवि जो चिंतित होके कहते हैं कि जो हमारा पुरातन भारत देश है उनमें कई महान विभूतियाँ हो गई, हमारे हमारे यहाँ जो भी है बहुभूतियाँ, हमारी जो ऋषि मुनियाँ हैं वो हमारे भारत देश में हो गए, तो हमारे पास ऐसी सारी अच्छाइयाँ मौजूद है, फिर भी हम आज उनकी संतान, आर्यों की हम संतान हैं। आर्य यानी हमने जाना ना कि अच्छे विचारों वाला, आदर्शवादी विचारों वाला, इन आर्य की हम संतान है। ये हम आज अधोगति में यानी कि पिछड़े हुए आज हम पड़े हैं, आज हमारी वर्तमान जो स्थिति है उसकी बात हमें कवि ने बताई है कि संतान उनकी आज यद्यपि यानी कि पुत्र, संतान यानी कि पुत्र अधोगति यानी निम्न था, निम्न गति जिसे कहते हैं ना पिछड़ा हुआ, आज हम संतान उनकी अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, यानी चिन्ह यानी निशानी यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके अच्छे विचारों, उनके अच्छे आदर्श, उनके संस्कार आज भी हम हमारे अंदर पड़े हुए हैं। अगर हम अच्छे बनना चाहें तो हम बन सकते हैं, उसकी ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे पूर्वजों की जो बात है वो आज भी हम आत्मसात कर सकते हैं, ऐसा कवि हमें बताते हैं कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं
पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, यानी कि उनकी जो चिन्ह है, निशानी है, उन वो आज भी हमारे अंदर है। अगर हम हमारे व्यक्तित्व को संवारना चाहे, उन्हें हमारे पूर्वज जो करके गए ऐसा हम बनना चाहे, तो हम आज भी बन सकते हैं, यानी कि उनके आदर्शवादी विचार आज भी हमारे अंदर मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, यानी कि वो आदर्शवादी लोग ही थे, हमारे पूर्वज हमारे आदर्शवादी लोग ही ऐसे थे कि जो अपने लिए कभी नहीं जीते थे, जो अपने स्वार्थ में कभी नहीं जीते थे। और अगली पंक्ति में आगे कवि बताते हैं कि वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आर्य यानी हमने जाना आदर्शवादी लोग, और स्वार्थरत यानी स्वार्थ में लीन जो इंसान होता है ना, उसे स्वार्थरत कहते हैं, यानी स्वार्थ में लीन। और मदिरा यानी कि शराब, यानी कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे। तो उन्हें पता था कि हमने जन्म लिया है तो क्यों लिया है, देश के उत्कर्ष के लिए लिया है, लोगों के उत्कर्ष के लिए लिया है, तो वो खुद अपने स्वार्थ में कभी नहीं जीते थे। और मोह माया से परे थे, वो मोह माया से दूर थे, मोह की मदिरा कभी न पीते थे, यानी कि मोह में कभी वो नहीं रहते थे, वो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। क्या कहते हैं कवि कि जिन्होंने यानी कि हमारे आर्य ने, हमारे पूर्वजों ने विश्व संसार यानी कि विश्व उपकार हित यानी कि परोपकार, हित यानी कि भलाई, और निश्चित यानी निष्क्रिय, जिन्होंने संसार की परोपकार यानी परोपकारिता के लिए, भलाई के लिए, पूरे संसार की भलाई के लिए, संसार के लोगों की भलाई के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, वो निश्चित यानी निष्क्रिय काम रहित जो है ऐसे ही नहीं बैठ सकते थे कभी। ऐसे हमारे आर्य जो है उनकी जो आदर्शवादी विचारधाराएं हैं, जो वो आज भी हमें हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, हमें उसे सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत है, उनके आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है। ऐसे कभी हमें बात करते हैं कि संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, यानी कि हमारे जो आर्य हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, उन्होंने जन्म ही परोपकारिता के लिए लिया हुआ है। वो जानते थे कि हमारा जन्म जो है वो पृथ्वी पर क्यों हुआ है, लोगों के परोपकार के लिए हुआ है, लोगों की मदद करने के लिए लिया है, देश का उत्कर्ष करने के लिए लिया है, तो वो कभी निष्क्रिय होकर जो है वो कभी नहीं बैठ सकते थे, ऐसे कभी हमें बात बताते हैं। और यहाँ पर जो है ये काव्य हमारा पूरा होता है, भारत गौरव, यानी कि हमें हमारे देश का गौरव होना चाहिए, हमारे देश जो है वो सारी सुविधाओं से, संस्कारों से, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से परिपूर्ण है, तो हमें सिर्फ जागृत होने की ज़रूरत है। आज भले ही हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम चाहें, हम उन आर्य की संतानें हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, परोपकार किया, तो आज भी उनके संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें जगाना चाहें तो जगा भी सकते हैं। यानी ये सुंदर सा जो पाठ है, काव्य है, भारत गौरव, मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें हमारी गौरवपूर्ण गाथा, भारत की गौरवपूर्ण गाथा जो है इस काव्य में बताई है, और बहुत ही सुंदर सा पाठ है, और थोड़े से शब्दार्थ जो हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे ही मैंने बता दिया है आपको काव्य के दौरान ही, लेकिन फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं शब्दार्थ, तो देखते जाइए आप साथ में। गौरव यानी सम्मान और प्रतिष्ठा भी जिसे हम बोल सकते हैं, भूलोक या संसार एवं दुनिया भी इसे कह सकते हैं, लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की जो क्रीड़ा भूमि है, जो जन्मस्थल है, उसे हम लीला स्थल कहते हैं।
उत्कर्ष यानी उन्नति एवं प्रगति, सिर मोर यानी कि एकदम श्रेष्ठ, खूब श्रेष्ठ जिसे हम बताते हैं, पुरातन यानी कि प्राचीन एवं पुराना, बहुभूति यानी कि संसार का वैभव, विधि यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की, उन्हें विधि विधाता भी कह सकते हैं यहाँ पर, आचार्य यानी कि शिक्षक, आदर्श आचार आचरण करने वाला, अधोगति यानी कि पिछड़ा हुआ, दयनीय जिसकी दशा हम बोल सकते हैं वो, स्वार्थरत यानी कि केवल सिर्फ अपना ही जो लाभ देखे वैसा, उसे स्वार्थ में लीन या स्वार्थ में रत आप कह सकते हैं। मदिरा यानी कि शराब, संसार तो दुनिया, निश्चित यानी निष्क्रिय एवं चेष्टा रहित भी हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो है वो थोड़े हम जान लेते हैं, और विरुद्धार्थी शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द जो हमने लिखे हुए हैं। तो आइए चलिए पहले शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर देख लीजिए, हिमालय तो हिमगिरी, गिरी यानी पर्वत, विश्व यानी संसार, निश्चित यानी हमने अभी अभी जाना और कार्य के दौरान भी हमने जाना, निश्चित यानी निष्क्रिय, भंडार यानी खजाना, गंगा यानी भागीरथी, और भूमि यानी धरा, और उत्कर्ष यानी कि उन्नति, उत्कर्ष यानी उन्नति। और विरुद्धार्थी शब्द थोड़े से हम देख लेते हैं, अधोगति तो उद्वगति, पुरातन तो नूतन, ध्यान रखिएगा ये विरुद्धार्थी शब्द है, हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जाने, और विरुद्धार्थी शब्द उद्योगति तो उद्वगति, पुरातन तो नूतन यानी नया, पुराना तो नया, ये पुरातन तो यहाँ पर नूतन आएगा, विस्तार तो संकुचन, और उत्कर्ष तो अपकर्ष, स्वार्थ तो परमार्थ, वृद्ध तो युवा, प्रथम तो अंतिम, और पुण्य भूमि तो पाप भूमि, और उच्च यहाँ पर उच्च तो निम्न, उच्च कोटि का जिसे हम कहते हैं, तो विरुद्धार्थी शब्द उसका क्या होता है, निम्न। और यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द जान ले, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार उसे क्या कहेंगे, भूलो, पवित्र क्रीड़ा भूमि यानी कि लीला स्थल, और मन को हरने वाला यानी मनोहर, आदर्श आचरण करने वाला यानी आचार्य, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला जिसको क्या कहेंगे हम, स्वार्थ रथ। तो यहाँ पर ये सुंदर सा कार्य हमारा है भारत गौरव, ये पूरा होता है। आप स्वाध्याय लिख के प्रश्न जवाब जो है वो सारे एक वाक्य में, दो दो वाक्य में वो सभी लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। हमारा ये दसवां जो काव्य है भारत गौरव ये पूरा होता है, और आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा ग्यारहवां जो प्रकरण है उसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।